अस्सलामुअलैकुम 26 न्यूज के साथ मैं हूँ नायरा मीर। आपको खबर देते चले कि चेयरमैन पीजीआई की तोशाखाना केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सजा मुअत्तल कर दी है और उन्हें फौरी रिहा करने का हुक्म दे दिया है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तली का हुक्म सुनाया। अदालत ने तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तली की दरखास्त पर लतीफ़ खोसा और इलेक्शन कमीशन के वकला के दलाइल सुनने के बाद गुज़िश्ता रोज़ फैसला महफूज किया था। ट्रायल कोर्ट की जज हुमायूं दिलावर ने 5 अगस्त को चेयरमैन पीटीआई को 3 साल कैद, 5 साल न्यायालय और 1,00,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। चेयरमैन पीटीआई तोशाखाना केस में सजा के बाद 25 रोज से अटक जेल में कैद हैं। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ प्राइवेट कंप्लेंट दायर की थी। आपको फिर बताते चलें, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तोशाखाना केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ की सजा मुअत्तल करते हुए उन्हें जमानत पर रिहा करने का हुक्म दे दिया है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तली का हुक्म सुनाया। अदालत ने तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तली की दरखास्त पर लतीफ़ खोसा और इलेक्शन कमीशन के वकला के दलाइल सुनने के बाद गुज़िश्ता रोज़ फैसला महफूज किया था। ट्रायल कोर्ट की जज हुमायूं दिलावर ने 5 अगस्त को चेयरमैन पीटीआई को 3 साल कैद, 5 साल न्यायालय और 1,00,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। चेयरमैन पीटीआई तोशाखाना केस में सजा के बाद 25 रोज से अटक जेल में कैद हैं। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ प्राइवेट कंप्लेंट दायर की थी। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें 26 न्यूज़।